समूचे भारत पर काला अंधकार छा गया। करोड़ों भारतवासी अपने साहसी नेता की याद में शोक से व्याकुल हो गए। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब मानव जाति पर क्रूर दुर्भाग्य का वार हुआ है। ये क्रूरतम घटना थी, एक ऐसी महान महिला की निर्मम और भयानक हत्या जिसने अपना पूरा जीवन न केवल अपने देश वरन पूरे विश्व की मानवता की शांति, एकता और कल्याण में समर्पित कर दिया था। तनाव की इस घड़ी में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने देशवासियों से कहा, मेरी ही मां नहीं, वे देश भर की मां थी। उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की सेवा करी। आप सब जानते हैं कि उनका एक सपना था, एक अखंड शांतिपूर्ण खुशहाल भारत का। विश्व भर के विभिन्न नेता, राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शेख, अमीर, राजकुमार, मंत्री और आम जनता के लोग भारत की इस महान बेटी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए। राजसी परिवार की प्रतिनिधि राजकुमारी एन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती थैचर, श्रीमती गांधी की एक व्यक्तिगत मित्र और सहयोगी, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री श्री निकोलाई तिकोनोव, जाम्बिया के राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ कोंडा, अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों के प्रतिनिधि, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षा श्रीमती गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित थे। का सपना एक ऐसे विश्व की स्थापना का था जिसमें ना कोई युद्ध हो, ना भूख, ना गरीबी। वो जीवन भर इसी के लिए कार्य करती रहीं।
भारत के गरीब लोगों को अपनी समस्याओं के हल के लिए श्रीमती गांधी पर पूरा भरोसा था, वही उनकी आशा थी। भवन 17 साल तक ये उनका घर था। 1947 से 1964 तक, जब उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां रहते थे, यहीं पर उन्हें जनप्रतिनिधियों, आम जनता के लोगों और विभिन्न क्षेत्रों की कई अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों से मुलाकात का अवसर मिला। यह उनका समर्पित प्रशिक्षण काल था। यहीं उन्होंने बहुत कुछ सीखा। यहीं विश्व की महानतम विभूतियों में से एक श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व और निखरा। तीन नवंबर 1984 श्रीमती गांधी की अंतिम यात्रा, मानवता के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की लंबी अथक श्रृंखला का अंत। श्रीमती गांधी 17 सालों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। उनके कंधों पर विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का भार था। 70 करोड़ भारतवासियों की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने का उत्तरदायित्व। अनुपम शक्ति और पक्के इरादों की मूर्ति थीं श्रीमती गांधी। उनका सबसे बड़ा सहारा था भारत की गरीब जनता और पिछड़े वर्ग का उनमें अटल विश्वास। उन्होंने कहा था, हम अपने देश में सबसे अधिक महत्व आर्थिक विकास और अपनी सारी जनता, विशेषकर गरीब लोगों के रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाने को देते हैं। हमारी आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं कृषि उत्पादन में विकास, तेज औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, तकनीकी प्रगति, वातावरण की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल और विकास का सभी को एक समान लाभ। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी एंड भारत ने आधुनिक युग में शानदार ढंग से प्रवेश किया। श्रीमती गांधी अपने पिता स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की ही तरह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों को अच्छी तरह से समझती बूझती थीं। उनका कहना था, ये प्रयोग हम सिर्फ गर्व या सफलता के लिए नहीं करते, बल्कि भारत की समूची जनता की भलाई और कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि ऐसा हर प्रयोग हमें बेहतर ज्ञान और नई जानकारी देता है जो आम आदमी, विशेषकर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानसून और मौसम की जानकारी, देश के आसपास की धरती, जलवायु और समुद्र की जानकारी हम सब के लिए बहुत सहायक और उपयोगी हो सकती है। अर्थी पे रखा श्रीमती गांधी का पार्थिव शरीर जैसे जैसे इंडिया गेट की ओर बढ़ता, याद हो आते वो क्षण जब हर वर्ष अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और गणतंत्र दिवस पर लोगों का अभिनंदन करने श्रीमती गांधी यहां आती थीं। एक बार जब भारत की अनेक समस्याओं के प्रति उनके रवैये के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, इसका एक ही हल है, कर्म, मेहनत।
समस्याओं से दूर भागना कायरता है और कायरता से दुख शर्म और पराजय ही मिलती है। परिस्थिति से मुकाबले का दूसरा नाम साहस है। सवेरे से ही लाखों शोक संतप्त लोग जमुना के किनारे पर एकत्रित होने लगे। दुनिया भर के 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि अपना शोक व्यक्त करने के लिए उपस्थित थे, हमारे पड़ोसी देश भी। गाड़ी पर रखा श्रीमती गांधी का पार्थिव शरीर शांतिवन पहुंचा। तीनों सुरक्षा सेनाओं के प्रमुखों और फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने श्रीमती गांधी का पार्थिव शरीर उनके परिवार के सदस्यों को सौंपा। ऐसी ही क्रूरता और पागलपन में 37 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया था। पास ही शांतिवन में पंडित नेहरू की समाधि है और शांतिवन के पास ही स्थित है विजय घाट, जहां भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अंत्येष्टि की गई थी। राजघाट और शांतिवन के बीच श्रीमती गांधी की चिता तैयार की गई। चंदन की चिता पर पार्थिव शरीर रख दिया गया। Thank you.
श्रीमती गांधी के पुत्र प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने चिता को अग्नि दी। श्रीमती गांधी मृत्यु से कभी नहीं डरी। उन्होंने अपने एक मित्र से एक बार कहा था, मैं अपनी आत्मा की तड़प में दूसरों को हिस्सेदार नहीं होने दूंगी। चाहे मैं अपनी चिता पर क्यों ना हूं, तब भी सब लोग एक सुंदर मुस्कुराहट देख सकेंगे। ग्रंथ साहब में जीवन का सत्य इस प्रकार समझाया गया है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थिया राम।